दिल्ली के अंदर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पुलिस का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे। दिल्ली के अंदर किसान आकर के धरना नहीं दे सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है। दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू हो जाती है, एमसीडी में 2500 करोड़ का घोटाला सामने आया है, उसके खिलाफ आज हमारे विधायक चुने हुए प्रतिनिधि तीनों नगर निगम के लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय गृह मंत्री जी के यहां अपनी बात रखने जाने वाले थे, 5 विधायकों को घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कह रहे हैं कि 144 धारा लागू है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। हमारे विधायक आतिशीम जी को और तीनों नगर निगम के लीडर ऑफ अपोजिशन को एलजी हाउस पर गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसानों के लिए धारा 144 लागू है और पेंडेमिक एक्ट लागू है, अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा 2500 करोड़ एमसीडी में जो घोटाला हुआ है उस पर सवाल उठाने पर पेंडेमिक लागू है, पिछले 8 दिसंबर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिया जा रहा मुख्यमंत्री आवास पर जो धरना है वो किस एक्ट के तहत चल रहा है? गृहमंत्री जी के हिसाब से भारत का एक्ट नहीं बदल सकता, और ये सरासर गृहमंत्री जी पुलिस का दुरुपयोग करके अपने हिसाब से दिल्ली को चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों का भी आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचेगा और देश का किसान और देश के देशभक्त किसानों के साथ हैं, और दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के अंदर 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है उसके खिलाफ भी आंदोलन आगे बढ़ेगा। अमित शाह जी, आप पुलिस के दम पर दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके आप इस आवाज को दबा नहीं सकते हैं।